नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार स्टार फिल्म ओ माई गॉड 2 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड से लंबी लड़ाई लड़ी थी। टीनेजर्स को सेक्स एजुकेशन देने की बात करने वाली इस फिल्म को बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अमित राय ने बताया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से हाथ जोड़कर विनती की थी कि फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट दिया जाए। एक इंटरव्यू में अमित ने कहा, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने हाथ जोड़े थे। मैंने बोर्ड से कहा था कि मैं इस फिल्म को OTT पर भी रिलीज़ कर सकता हूँ, पर मैंने इसके लिए थिएटिकल रिलीज चुनी है ताकि ये ज़्यादा परिवारों तक पहुँचे। अमित ने आगे बताया, मैंने उनसे कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए फिल्म अगर OTT पर जाती तो मैं आपके पास सेंसरशिप के लिए आता ही नहीं, पर क्योंकि हमें लगता है कि थिएटर ऑडियंस की फिल्म है इसलिए हमने ये रिस्क लिया है। अमित ने बताया कि इससे पहले जब उन्होंने टीज़र को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा था तब भी सेंसर बोर्ड ने उनसे कुछ सीन कट करने की मांग की थी। फिल्म के मेकर्स तब भी इतने हैवी सेंसरशिप के लिए तैयार नहीं थे। अमित ने बताया कि फिल्म की रिलीज के बाद इसे मिल रही तारीफ को देखते हुए वो अभी भी सर्टिफिकेट को रिकंसिडर कराने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।